हेलो माइक चेक 1 2 3 1 2 3 माइक चेक। तो क्या हाल है मित्रों, आज हम लगभग ब्लॉग करना स्टार्ट किए हैं लगभग 2 महीने बाद, ऑलमोस्ट 2 महीने बाद, बिकॉज असकत आ रहा था, मन नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का। तो आज मतलब पटना से भी हम एक बार घूम के आ गए, लेकिन वो सब मतलब कुछ भी स्कूटी लिए कुछ भी सब ब्लॉग नहीं किए, बिकॉज नहीं मन कर रहा था। 2 महीने से वही सब एडिट कर रहे थे, आज स्टार्ट किया। अब आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं अब कंटिन्यू रहूं, एटलीस्ट हर 2 दिन पे तो एक ब्लॉग आए ही आए, डेली तो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं। तो आज क्या है ना कि आज मौसम जा रही है वापस पटना, लगभग 1 हफ्ते 15 दिन के लिए, तो 15 दिन के लिए हम यहाँ अकेले रहेंगे, तो जो कोई यहाँ आना चाहता है वो आ सकता है। तो मजाक कर रहा हूँ, इधर अभी खाना पीना चल रहा है इन लोग का। तो लास्ट ब्लॉग में आपने देखा था कि क्या हाल थी घर की, मतलब क्या लेवल था, किस टाइप का मतलब कि फैला हुआ था सब। अभी देखो सब हमारे इंटीरियर, हमारा घरेलू इंटीरियर डिज़ाइनर मौसम जी का कमाल है, ये सारा काफ़ी अच्छा मतलब घर वर हो गया है। रूम वगैरह तो अभी अच्छे से नहीं सजा है, मगर तब भी इट्स क्वाइट गुड। सब पर्दे वगैरह सब हमारा घरेलू इंटीरियर डिज़ाइनर जो है उसी ने सब ये किया है। बैठ के अभी डेक्स्टर का खाना तुम बैठ के खा रही हो जी, डेक्स्टर नहीं निकल रहा बाहर। डेक्स्टर देखिए, अब हम बहुत खतरा उठाने वाले हैं, डेक्स्टर को निकालना बहुत ही खतरे से खाली नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक डॉग है डेक्स्टर। डेक्स्टर जो है एक तो पट से काट लेने वाला इसका आदत है ना जो। ए हेजल नो, हेजल नो क्या, डेक्स्टर को समझाओ, डेक्स्टर काट लेता है सब। गाय खा रहा है उसके, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अभी डेक्स्टर तो भाई ओट्स खाते हैं, साथ में मछली खाते हैं, एंचोवी। अब फिर भाग जाते हैं, फिर भाग गया। साफ घर को गंदा करने में पूरा हाथ रहता है इसका, इस पगलवे का। फिग्मा देखिए कितनी बड़ी हो गई, लास्ट व्लॉग में आप लोग देखे होंगे भुतुंगी को, अभी 6 महीने की हो चुकी है और सारा खाना खा जाती है सबका। फिग्मा हमारा पोछा है, जहाँ भी कुछ भी गिरता है और डस्टबिन, वो सारा फिग्मा साफ करती है। हमारा सफाई कर्मचारी आ चुका है, तो ये सारा सफाई करती है यहाँ पे। डेक्सर का मुंह भी साफ करती है, ये सारा जो गिरा हुआ है ये सब साफ करती है, हमने इसे रखा हुआ है। वेरी गुड, शाबाश। तो फाइनली आज हमारे यहाँ आरू भी लग गया, पहले हम लोग इसका पानी पीते थे, ये सब मौसम जी की कृपा है। सो वी आर रेडी टू गो, नॉट वी आर रेडी टू गो, मौसम जा रही है, मैं बस मेट्रो तक ड्रॉप करके आऊँगा यार, मेरे को बहुत काम करना है अभी बोलने पे। पैकिंग वगैरह हो चुकी है, ये तो नॉर्मल बस बैग लेके जा रही है, इसमें डॉग फूड है, पूरे में डॉग फूड भरा हुआ, डोनेशन में आया था तो उसने सोचा कि यहाँ पे तो हमारे डॉग्स खाते नहीं हैं, तो वहाँ पे जो चूरोस खुजली वगैरह है उन लोग के लिए, एंड दिस बर्गर इज मेड बाय मी। तो बस अभी निकलेंगे 5 मिनट में, मैं ड्रॉप करके आऊँगा, उसके बाद फिर बाकी को हम बात करते हैं बाद में। बाय बाय। एकदम मन नहीं है मेरा। क्यों फिग्मा क्यों बनी हुई है, आई भी थी यही पहन के, जा भी रही है यही पहन के, कपड़ा नहीं है क्या? ये मेरा ट्रैवल यूनिफॉर्म। भूई। तो क्या सारे तीन? हाँ ठीक है, डेक्स्टर तो ऐसे रह चुका है, मगर हेजल कभी रहा नहीं इसके बिना। हम किसी वीडियो में दिखाएंगे कि आधे घंटे के लिए बाहर जाते हैं तो आने के बाद क्या होता है, कैसा ट्रॉमा हम लोग को झेलना पड़ता है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन एंजाइटी है इसको, इसको भी थोड़ा बहुत है ना फिग्मा। पता नहीं 15 दिन कैसे खाना पीना खाएगा कि नहीं खाएगा ये। हेजल झूठ बोल रही है, नहीं आएगी, हम आ जाएंगे तो तुरंत आ जाएंगे, हम 15 दिन बाद आएगी। हेजल मब्बू भी ना बोलो, नहीं हम नहीं उतरेंगे, बोलो नहीं उतरेंगे। हेजल कैसे गोली में चढ़ा रहा है। चलो मौसम रेडी टू गो, हम अपने फिटनेस चैनल पे ज्ञान देते हैं सबको कि लिफ्ट यूज नहीं करिए, नीट करिए, नीट।
कैलोरी एक्सपेंडिचर बढ़ाइए। अभी लिफ्ट बुला रहे हैं, बताइए, ताला मारिए। पंखा चलाओ। निकु 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 बहुत एक्सेसिव धूप है सी, बहुत ज्यादा धूप है, एकदम इतनी ज्यादा धूप है कि मतलब इट्स जस्ट 45 डिग्री। अगर लिटरली अगर आज मेरी ट्रेन नहीं होती तो निकलने का सोच भी नहीं सकते थे बाहर, लेकिन मजबूरी का नाम क्या कर सकते हैं। बंद है क्या? नहीं, खुला है। कर लिया। बाय बाय। तो आई एम बैक होम। अब इन लोगों को मेरे को ही झेलना है, आप आवाज सुन लो तो इतना रोते हैं उसके बिना। हेजल हेजल सुनो आवाज। क्या हो, क्या हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हुआ हेजल? क्या हुआ फिक्कू? क्या हो गया? गेट पे अभी किसी ने टक टक कर दिया, फिक्कू कब आ गई? फिक्कू डुक्के लाल सोए हुए, हेजल बेड के नीचे घुसा हुआ है, उस टाइम से रो रहा है। बेड अभी चद्दर हटा दिया था इसने, सोसो किया था, सोसो कर दिया था इसको। थप्पड़ मारती है। ये कैसे सोए हो हेजल? उस टाइम से रोए जा रहा है पगलवा। तो शाम के बज रहे लगभग 6। बालकनी में खड़ा हो अभी चाय पिया मैंने, हम लोगों ने आतंक मचा कर रख दिया भाई। अब वो आई गेस सोऊंगा जाके, 7-8 बजे तक ही सो जाऊंगा यार आज, मतलब बैंक सो थकान भरा को क्या कहते हैं, थका हूँ बेसिकली, बहुत ज़्यादा थका हूँ। अब व्यू देखो, 13th फ्लोर पे रहते हैं, रात में व्यू वहाँ पे बहुत अच्छा आता है, कभी रात का वहाँ का सीन दिखाऊंगा आप लोगों को। ये देखो, ये यहाँ पड़ी हुई हैं, वो वहाँ पड़े हुए हैं, ऐसा बंदे पड़े हुए हैं, यही सीन है बस। अब थोड़ा प्यार दिखाते रहिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पहली बार आए तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, और बताइए कि कंटेंट में और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।